हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद उज़्मा। तो फ्रेंड्स, आज जो मैं रेसिपी लाई हूँ वो है शलजम गोश्त। तो बड़े आसानी से बन जाते हैं, टेस्टी भी होते हैं। तो आइए मैं बनाती हूँ, बताती हूँ आपको मैं किस तरह से ये बनाऊँगी। तो सबसे पहले मैंने ले ली है 2 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच मिर्च पाउडर और 1 से कुछ कम हल्दी पाउडर, क्योंकि मैं इसमें थोड़ा ज़्यादा डालती हूँ हल्दी। और ये ले लिया मैंने 1 चम्मच जीरा, सिया मिर्च, छोटी बड़ी इलायची, तेज पत्ता। इधर मैंने शलजम ले ली है फ्रेश, जिसको मैंने 3 से 4 बार अच्छी तरह से पहले धोया है, उसके बाद इसको काटा है। ये शलजम है मेरे 3 पा। इधर मैंने ले लिया है 150 ग्राम पालक, जो मैं इसके साथ ही इसमें ऐड करूँगी। 1 बड़े साइज़ के ले लिए मैंने प्याज और लहसुन का पेस्ट्री, आप देख सकते हैं। 1/2 प्याज मैंने इस तरह से काट ली है, आप देख सकते हैं। कुछ हरी मिर्च ले ली है फ्रेंड। 2 बड़े चम्मच मैंने लिए हैं मस्टर्ड ऑयल, जिसको मैंने अच्छी तरह से गर्म कर लिया है। सबसे पहले मैं इसमें ऐड करूंगी गर्म मसाला। फ्रेंड, गरम मसाले के बाद मैं इसमें डालूंगी प्याज, जो मैंने ये चॉप करके इस तरह से रखी है ये, और इसको फ्राई कर लूंगी अच्छी तरह से। हम इतना ही प्याज को इसको करेंगे फ्राई, ज़्यादा नहीं करेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे गोश्त। 1/2 किलो लिया है मैंने गोश्त। फ्रेंड्स, इसके बाद डालेंगे हम नमक। और इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, अच्छी तरह से ये हो गया है, भुन चुका है बहुत हमारा कुछ देर। तो अब हम इसमें डालेंगे जो स्पाइसेस हैं, ये मसाले, और अच्छी तरह से इसको भी हम भून लेंगे। ये सर्दियों की सब्जी है, मगर आप इसे कभी भी बना सकते हैं जब आपको ये मिले। ये बहुत अच्छी टेस्टी सब्जी होती है। आप इसे बगड़ की रोटी से, पराठे से, किसी चीज़ से भी खाएं, ये बहुत ही टेस्टी लगती है। फ्रेंड्स, अब हम जो ये पेस्ट है हमारा लहसुन और प्याज का, ये हम इसमें ऐड करेंगे। तो फ्रेंड्स, भूनते टाइम हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी। अब अच्छी तरह से हम इसकी भुनाई करेंगे। तो 7 मिनट करेंगे हम ये, कुछ 2 से 3 हरी मिर्च। तो फ्रेंड्स देखिए, 3 से 4 मिनट हमें अच्छी तरह से भून लिया है। तो फ्रेंड्स, भूनने के बाद हम इसमें पानी और ऐड करेंगे थोड़ा सा, और अब हम इसमें विसल लगाएंगे, कम से कम से 3 से 4 विसल, ताकि हमारा गोश्त कुछ गल जाए। तो फ्रेंड्स, हमने विसल लगा ली है, तो हमारा माशाल्लाह गोश्त 50% तो गल चुका है। अब हम इसको और अच्छी तरह से भूनेंगे कुछ देर, कम से कम 2 से 4 मिनट। तो देखिए फ्रेंड्स, अच्छी तरह से भुन चुका है हमारा गोश्त। तो हम सबसे पहले अब इसमें ऐड करेंगे शलजम। फ्रेंड्स,
शलजम डालने से पहले मैं इसमें कम से कम एक चुटकी से ज़्यादा मतलब इसमें ये ऐड करूँगी कसूरी मेथी, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अब ऐड करेंगे शलजम इसमें, इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे हम। देखिए फ्रेंड्स, अब हम इसमें डालेंगे पालक। तो डाल दिया हमने इसमें पालक और इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। तो अब हम इसे कम से कम 5 से 7 मिनट इस तरह से ही भूनेंगे ताकि जो इसकी कच्चापन है सब्जी का, स्मेल, ये सब निकल जाए। देखिए फ्रेंड्स, टाइम हो गया मतलब 5 से 7 मिनट हो चुके हैं इसको अच्छी तरह से भूनते हुए। देखिए इसने पानी छोड़ दिया है, तो हम इसमें क्या करेंगे, थोड़ा सा पानी डालेंगे मतलब इतना कि जले ना, और इसमें फिर हम विसल लगाएंगे 7 से 8 ताकि हमारा गोश्त और जो ये शलजम है अच्छी तरह से गल जाए। पानी हमें ज़्यादा नहीं डालना, थोड़ा सा ही डालना है क्योंकि ऑलरेडी इसमें पानी होता है। ये देखिए, देखिए फ्रेंड्स, विसल लगा के माशाल्लाह बिल्कुल रेडी है। तो हाँ, अब क्या करेंगे इसमें, अगर आपको पानी लगता है इसमें तो आप इसे और अच्छी तरह से थोड़ी देर और भून लें, और आप इसे जितना अच्छे से भूनेंगे उतनी ही टेस्टी होती है। तो फ्रेंड्स, जिस तरह से मैंने आपको बताया आप उसी तरह से ज़रूर बना के खाएं, सभी को बहुत पसंद आएगी। फ्रेंड्स, जिस तरह से मैंने आपको बताया है आप बिल्कुल इसी तरह से बनाएं, मेरी वीडियो बिल्कुल भी स्किप करके ना देखें, आपको सब पता चलेगा। एक एक वन स्टेप जो जो मैंने बताए हैं इस तरह से ही बनाएं। तो फ्रेंड्स, रेडी है मेरे शलजम गोश्त। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर करें, कमेंट्स करें। तो इंशाल्लाह ऐसी ही रेसिपी मैं लेती आऊँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।